जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। काफी समय बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आ पाया हूँ। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं अब जो साधनाएं हमने गुप्त रखी हैं या आगामी जो भी साधनाएं हम देंगे तो वो मंत्र सहित देंगे और विधि विधान के साथ देंगे। तो खुश हो जाइए क्योंकि हम जो भी वीडियो या जो भी साधनाएं लेके आते हैं वो ना तो किसी किताब में आपको उसका उल्लेख मिलेगा, ना किसी किताब में, ना किसी सोशल मीडिया साइट पे, क्योंकि हमारे जो मंत्र होंगे वो सारे गुरुमुखी और गुरु गद्दी से प्राप्त हैं और हस्तलिखित मंत्र हैं, प्रॉपर देसी मंत्र हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है गुरु सान्निध्य से, गुरु गद्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, वीडियो स्किप ना करें। और ये वीडियो है स्पेशल दीपावली काली चौदस के लिए। जो लोग काफ़ी समय से वशीकरण 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 की वीडियो मांग रहे थे कि गुरुदेव कोई ऐसा वशीकरण मंत्र दीजिएगा या ऐसी साधना दीजिएगा जिसको करके हम अपने कार्य निकलवा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारा उद्देश्य है कि जो हम मंत्र और विधि विधान दे रहे हैं ये केवल अपने हित के लिए ही इसका इस्तेमाल करें, पति पत्नी के लिए, ठीक है। किसी पे नाजायज इसका प्रयोग ना करें, नहीं तो इसका दुष्ट परिणाम जो आप भोगेंगे वो आपके जीवन में क्या घटनाएं, अगर आप किसी पे गलत प्रयोग कर देते हैं, किसी बहन बेटी पे, ठीक है, या किसी की वाइफ पे, या किसी पे, किसी नाजायज व्यक्ति को आप इस प्रयोग करके और उसको बस में करते हैं तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम और बड़े ही घातक परिणाम आते हैं और आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाए, हो सकता है कि आप जो क्रिया कर रहे हैं उसके उल्टी हो जाए, विपरीत हो जाए, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करे तो वो सोच समझ कर करे। हमारा मंत्र देने का, विधि विधान देने का उद्देश्य इतना है कि किसी एक का या हमारे दिए गए मंत्र से, विधि विधान से अगर किसी का घर बस जाए, किसी का उजड़ता हुआ घर बस जाए, या किसी का परिवार बिछड़ रहा हो, किसी का घर खराब हो रहा हो, ठीक है, तो वो हमारी वजह से जुड़ जाए, किसी का घर ना बिगड़े, इस उद्देश्य से हम ये वशीकरण मंत्र दे रहे हैं। और ये वशीकरण स्पेशल साधना है और जो भी इस साधना का प्रयोग करेगा, केवल ये साधना आप अगर करते हैं, ठीक है, तो ये दीपावली स्पेशल साधना है। काली चौदस वाले दिन इस साधना को आप, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने दीक्षा ले रखी है या नहीं ले रखी है, कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से और सरलतापूर्वक एक साधना को सफल कर सकता है। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए। ये साधना है वीर हनुमान, यानी हनुमान जी, हनुमान शावर मंत्र साधना, जो कि वशीकरण स्पेशलिस्ट है, ठीक है। हनुमान बाबा वीर हनुमान जी की साधना है, ठीक है, अंजनी पूत की, जो अंजनी के पूत हैं, वशीकरण स्पेशलिस्ट साधना है। और इस मंत्र का या इस साधना का दुरुपयोग कदापि ना करें। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो उसके फलदायी जो भी परिणाम आपके जीवन में आएंगे, विपरीताएं या कुछ घटनाएं घटित हो जाए, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये साधना हम कैसे कर सकते हैं, कितने दिन की साधना है, क्या विधि है, क्या विधान है और क्या मंत्र है। मैं मंत्र भी आपको बताऊंगा, बोलकर बताऊंगा, स्क्रीन पे लिख के भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। और आप लोगों के गुड लक है क्योंकि मैं अपनी साधनाओं में मंत्र नहीं देता हूँ, तो मंत्र पूरा दूंगा, विधि विधान दूंगा, तो कॉपी करोगे तो पता चल जाएगा कि मंत्र किसका है, विधि विधान किसका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साधना आप दीपावली पे एक दिवसीय साधना है बाबा वीर हनुमान की।
ठीक है, हनुमान जी की साधना है एक दिवस से, और ये स्पेशलिस्ट वशीकरण साधना है। बाकी इस साधना से आप कोई कार्य नहीं कर सकते, ना किसी का भूत उतार सकते, ना प्रेत उतार सकते, क्योंकि ये शावद मंत्र साधना है, वशीकरण शावद मंत्र साधना है। करना क्या है, विधि विधान सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये काली चौदस पे साधना करनी है, दीपावली वाले दिन, दीपावली से एक दिन पहले काली चौदस पड़ती है, उस पे आपको साधना करनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपको एक चिता की राख की व्यवस्था करनी है। किसी भी शनिवार को डेथ किया हुआ व्यक्ति हो या स्त्री हो या व्यक्ति हो जो भी हो, या एक्सीडेंटली मिल जाए तो बड़ी सोने पे सुहागा है, लेकिन राख किसी की भी चिता की चलेगी, किसी भी एज का हो, जाइए। जाने के बाद में शमशान में जाना है, आपको पहले रेखी करनी है कि कहाँ पे कोई व्यक्ति की चिता जली, और वहाँ से आपको क्या करना है, एक देसी का क्वार्टर सुन लेना, एक देसी दादू का क्वार्टर, पान का बीड़ा, ठीक है, 16 सिंगार, अंडे यानी कि 2 अंडे, ठीक है, एक नारियल, एक इत्र और एक सिरगट। ये सारी चीज़ें, धूप बत्ती अगरबत्ती भी जानी, सारी चीज़ें शमशान में लेके जानी है। चिता पे ये सारी सामग्री रख देनी है, अंडे, कपूर, लौंग बतासा कपूर भी लेके जाना है, लौंग का जोड़ा, बतासा कपूर, ये सारी चीज़ें लेके जाने के बाद उसकी चिता पे ही ये सारी सामग्री दारू की ढाल देनी है। ढाल देके पहले सबसे पहले बोलना है, प्रणाम करना है, आज्ञा लेनी है, दंडवत शमशान को जाके पहले प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद, और ये आप पदार्थ दिन में भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रात में लाएं, आप दोपहर के बाद में, शाम के, संध्या से पहले किसी टाइम भी ला सकते हैं। प्रणाम कीजिए, साइड में कपूर जलाइए, लौंग बतासा का भोग दीजिए, भोग देने के बाद अंडे का भोग दीजिए, और आपका पान का बीड़ा और श्रृंगार, नारियल वली लगानी है, इतर देना है, और बाबा के नाम की सिरगट लगा देनी है। बोलना है कि हे शमशान काली, शमशान भैरव, मैं आज फला फला उद्देश्य से, और मेरा ये उद्देश्य है, मैं यहाँ से चिता की राख लेके जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, और जो वहाँ पे जला है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कि आप मेरे साथ चलिए और मेरा जो भी काम है वो आप काम कीजिए। चिता की राख आपको घर नहीं लेके जानी, इतना विशेष ध्यान रखें, इसको कहीं भी गुप्त तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। ये पहला चरण है आपका। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप काली चौदस का वेट करना है, ये आप शनिवार, किसी भी शनिवार को ला सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है। काली चौदस का वेट करना है, इसमें आपका धूप बत्ती अगरबत्ती, ठीक है, धूप अगरबत्ती, लौंग का जोड़ा, बतासा, पान का बीड़ा, बाबा के, हनुमान जी के लड्डू, हनुमान जी का चोला, हनुमान जी का सिंदूर, ठीक है, सारी चीज़ की व्यवस्था आपको कर लेनी। किसी भी आप ये साधना अपने घर पे भी कर सकते हैं, रूम पे कर सकते हैं, छत के ऊपर कर सकते हैं, या जमीन पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, मकान में, प्लॉट में, निर्जन स्थान पे या चौराहे पे, जहाँ आपको अति उत्तम लगे वहाँ आप इसको साधना को कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें, इस साधना में रक्षा यानी कि रक्षा मंत्र अनिवार्य है, बिना रक्षा मंत्र के आप ये साधना ना करें। रक्षा मंत्र आपको कहाँ मिलेगा, रक्षा मंत्र हमारी वीडियो में मिल जाएगा, हमने बहुत सारे रक्षा मंत्र दे रखे हैं और सारे स्वयं में सिद्ध हैं, कंठस्थ करने के साथ ही वो काम करना शुरू कर देते हैं। अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा रक्षा मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, कि रक्षा मंत्र लगाया कैसे जाता है। कोई भी रक्षा मंत्र आपको सिद्ध है, वो 21 बार या 3 बार आप अपने हाथों पे पढ़ें और पूरे शरीर पे फेर लें, या फिर दूसरा माध्यम होता है, यानी पढ़ने के बाद फूंक मारना होता है, फूंकना होता है, या फिर आप किसी चाकू पे, जल पे, सिंदूर पे भी आप पढ़ के घेरा आसपास अपने लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साधना रात्रि साधना है, काली चौदस को रात में 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद साधना आरंभ कर सकते हैं। इसमें आपका जो आसन होगा वो लाल रंग का या कुशाका होगा, माला रुद्राक्ष की होगी, वस्त्र आपके लाल होंगे, दिशा उत्तर या पूर्व रहेगी, उत्तर रहे तो अति उत्तम है, ठीक है, अपनी दिशा उत्तर रखें। और सबसे पहले आपको साधना शुरू करने से पहले किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है, मंदिर जाने के बाद वहाँ पे दीपक लगाना है, सरसों के तेल का सिंदूर चढ़ाना है, ठीक है, बाबा को, और बाबा को
चोला चढ़ाना है बाबा का, और बाबा से इजाजत लेनी है कि ए वीर हनुमान, अंजनी के पुत्र, मैं इस उद्देश्य से आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। मेरा जो ये मंत्र है या जो मेरी साधना है फलीभूत हो, जिस उद्देश्य से मैं साधना कर रहा हूँ वो साधना मेरी फलीभूत हो, मेरा कार्य सिद्ध हो, प्रार्थना करनी है। और ये काम आपको करना है उसी दिन जिस दिन आप साधना करने जा रहे हैं, काली चौदस वाले दिन। ठीक है, सारी सामग्री की व्यवस्था कर लें, शमशान या जहां आप साधना करना चाहते हैं आसन लगा लें, घेरा लगा लें। ठीक है, उसके बाद में जो हम मंत्र दे रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, उस मंत्र का जाप आपको एक माला जाप करना है, एक माला से हवन कर देना है, हवन की चीज पे करना है, हवन करना है आपको आंकड़े की लकड़ी पे, जिसको अकौवा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है, उसकी लकड़ी लेके आनी है, उस पे हवन करना है। विशेष ध्यान रखना, जो अकौवे का पेड़ होता है आंकड़े का, उसकी सूखी लकड़ी हो उस पे हवन करना है, एक माला जाप करके एक माला से ही आहुति करनी है, ये ध्यान रखना। इस विधान में कोई भी छेड़ाछाड़ी फेरबदल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं जो विधान और विधि और मंत्र जो बता रहा हूं वो पूर्ण रूप से ये यहाँ पे पूर्ण विधि विधान के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, काली चौदस पे साधना करनी है, आसन आपका कुशाकाय लाल रंग का, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र आपके लाल, दिशा दक्षिण और सॉरी दिशा पूर्व या उत्तर, और आसन आपका कुशाकाय लाल रंग का। भोग में बाबा को आपको दीपक जलाएंगे आप सरसों के तेल का, भोग में 5 लड्डू, 1 पान का बीड़ा, बाबा का सिंदूर, जो हनुमान जी के मंदिर जाएंगे वहां से थोड़ा सिंदूर लेके आना है आपको उठा के, और थोड़ा मार्केट से लाना है, मार्केट वाले में बाबा के चरणों का सिंदूर थोड़ा सा आपको मिला लेना है हनुमान जी का, और चिता की राख, ये सारी चीजें आप अपने पास रखेंगे, यही आपको वशीकरण में काम आने वाली है। ऐसे समझ लेना कि आप इसी को सिद्ध कर रहे हैं। और मंत्र जब भी कारगर होगा जब आप कंठस्थ करेंगे और निस्वार्थ साधना को करें, ठीक है, किसी का बुरा ना करें। मंत्र में स्क्रीन पे प्लेस होता मिल जाएगा मंत्र, अंजनी के पुत्र, अंजनी के लाल, तू दिखा अपने मंत्र का कमाल, 64 योगिनी सब स्त्रियों में तेरा शरीर, पैर की मिट्टी सर के बाल, पकड़ कर मारो मंगलवार, मंगलवार किया वीर हनुमान जी का श्रृंगार, अब ना देखेगी घर की आस, घर छोड़े घराना छोड़े, छोड़े घर की आस, आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल की लात छाती में धावे, इतने में भी मेरा अमुक काम करके अंजनी का पूत ना दिखावे, तो राम भक्त वीर हनुमान ना कहावे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरी वाचा, सत नमो आदेश गुरु का। ये मंत्र है, ये स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, और मंत्र में कोई फेर बदल नहीं करना है। अब इसकी प्रयोग विधि बता देता हूं कि प्रयोग कैसे करना है। एक माला से जाप करके एक माला से हवन करना है, मंत्र आपका जागृत हो जाएगा। इस साधना में आप भयभीत भी हो सकते हैं, आपको डर भी लग सकता है, अनुभव भी आएंगे शक्ति, जब आप किसी शक्ति का आह्वान करते हैं वो भी शमशान में बैठ के या कहीं एकांतवास में, तो शक्ति अपने होने का प्रमाण देती है और अपना एहसास कराती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इस साधना में आपका 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, एक बार ही सिद्ध करना है। इस साधना को आप ग्रहण काल में भी सिद्ध कर सकते हैं, इस मंत्र को एक ही दिन में एक ही रात में सिद्ध होने वाला मंत्र है, लेकिन इससे केवल वशीकरण होगा, केवल वशीकरण। तो जो भी व्यक्ति इस साधना को करे, इस मंत्र को सिद्ध करे, तो सही उद्देश्य से करे, किसी का इस मंत्र से किसी का बुरा या दुरुपयोग ना करे। ठीक है, तो प्रयोग विधि बता देता हूँ। जिस भी स्त्री या जिस भी प्रेम आप अपनी प्रेमिका पत्नी या आपकी जीएफ जो भी है उसका वशीकरण, जिस भी स्त्री का वशीकरण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उस स्त्री के सर के बाल या पैर की मिट्टी आपके पास होनी अनिवार्य है, क्योंकि वो जब भी काम करेगा, जब ये मंत्र जब भी काम करेगा, जब उसके पैर की मिट्टी होगी, सर के बाल होंगे, या तो पैर की मिट्टी हो या सर के बाल, दोनों में से एक चीज होना कॉमन है, अनिवार्य है। तो और बाएं पैर की मिट्टी होनी चाहिए, सर के बाल चाहे उसके झड़े हुए हों या कंघी किए हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाल हो तो उनको जला के उस चिता की राख में, उस सिंदूर में आपको मिला लेना। पैर की मिट्टी है तो चिता की राख में और सिंदूर में मिला के चुपचाप किसी भी मंगलवार को उस स्त्री को या महिला को आप किसी भी चीज में खिला दें,
या कि उसके चुपचाप शरीर पे नहीं, सिर पे चुटकी भर उसके सर पे डाल दें। और एक बात ध्यान रखना, ये मंत्र केवल, ये प्रयोग केवल आप 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 बार के बाद में ये आपका मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि इस मंत्र को हम कीलित करके दे रहे हैं। और इस मंत्र की विशेषता ये है, क्योंकि ये मंत्र पूर्ण रूप से देहाती और देसी मंत्र है, इसमें छेड़छाड़ या फेर बदल ना करें, ठीक है। तो विधि विधान इतना सा है, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये सही से मंत्र शुद्ध तरीके से, अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि इसको और पावरफुल तरीके से जाप करना है, तो इसका मात्र आप 3 या 5 माला जाप कर लीजिएगा और एक माला से हवन कर दें। अगर हो सके तो एक माला पे भी ये जागृत हो जाएगा, लेकिन इसका अधिक फल लेना है तो 3 से 5 माला जाप करके एक माला से हवन कर दें। हवन की चीज से करना है, मतलब आपके आंकड़े की लकड़ी और हवन सामग्री लिया है मिक्स वाली, ठीक है, मिक्स सामग्री लाके उससे हवन सामग्री से हवन कर दें। आंकड़े की अकौवे की लकड़ी पे, मेरे यहाँ तो अकौवा बोला जाता है, आपके यहाँ आंकड़ा बोला जाता होगा। जगह जगह, हर जगह जैसे जैसे एरिया बदल जाता है, वैसे वैसे चीजों के नाम बदल जाते हैं, ठीक है। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में हमसे मालूम कर सकता है, ठीक है। तो ये है वीर हनुमान वशीकरण साधना, जो कि मात्र 3 दिन के अंदर, अगर सामने वाला कितना ही कठोर दिल क्यों ना हो, अगर आपसे नफरत करता हो और आप से चाहे महीनों से बात ना की हो, अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि वो आपके आगे पीछे घूमेगा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि इस मंत्र का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, माताएं बहनों की, इसमें आप अपने पति का वशीकरण, पत्नी का वशीकरण, प्रेमिका का वशीकरण, बेटे का वशीकरण, बेटी का वशीकरण, या अपने किसी भी एम्प्लॉय का वशीकरण, बॉस का वशीकरण, जिस पे भी प्रयोग करेंगे वो आपके वश में हो जाएगा। ऑलराउंडर मंत्र है, इससे आप किसी का भी पति का, पत्नी का, बीवी का, बच्चे का, किसी का भी, यहाँ तक कि आप अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी भी कुतिया के ऊपर ये डाल के देखना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किसी भी जानवर के ऊपर आप इसको डाल के देखना, वो आपके पीछे पीछे ना हो जाए तो बोल देना, मेरी गारंटी है इस चीज की, क्योंकि ये स्वयं में सिद्ध है, पूर्ण रूप से प्रमाणित और परीक्षित मंत्र है। हम ऐसे मंत्र देते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है बेचारे, जो हमारी फीस पे नहीं कर सकते या हमसे मिल नहीं सकते, भारत के अनंत प्रांतों से वो बिलोंग करते हैं, बहुत दूर हैं, आ नहीं सकते। सभी लोग तो इतनी दूर ट्रेवल करने में, हमारे पास तक आने में अगर भारत के किसी भी कोने से आए तो 2, 4, 10, 5 हज़ार लग जाते हैं, और फिर हमारी फीस होती है क्योंकि सामग्री लगती है, हम किसी को सर्विस दे रहे हैं तो उसका चार्ज तो हम लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं खुली और सच्ची बात कहते हैं, क्योंकि हम फ्री में कोई काम नहीं करते। फ्री में हम मन के राज, अपने मन के राज हैं, हम जिसका कर दें, लेकिन फ्री में हमारे पास कुछ नहीं मिलता है। फ्री में आपको हम ये साधना दे रहे हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, वो आपकी मन इच्छा है कि आप इस साधना को करने से पहले, कहते हैं कि कोई भी साधना अगर आप किसी से लेते हैं तो वो साधना या मंत्र जब तक फलीभूत नहीं होता है, जब उसका आदान प्रदान यानी कि उसकी दक्षिणा आप किसी, जिस गुरु से मंत्र ले रहे हैं, जिस गुरु की विधि विधान या जो भी साधना दे रहा है, उसको कुछ ना कुछ उसकी एवज में दक्षिणा देनी होती है, तभी ये चीजें फलीभूत होती है, ठीक है, तभी ये कार्य करती है। तो मैंने विधि विधान, प्रयोग विधि और कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन सारे काम गुप्त तरीके से चुपचाप, और ये 3 बार ही काम करेगा, इतना ध्यान रखना, और जो गलत प्रयोग करेगा उसकी लंका लगेगी, वो जाने। अपने से कोई मतलब लेना देना नहीं है, अपना तो इतना है कि सही उद्देश्य से प्रयोग करें, और इसके जीवन में आप गलत प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपकी माता बहनों के साथ कुछ गलत हो जाए, आप भी तो, आपके घर में भी तो माता बहन है ना, तो किसी पे इसका गलत प्रयोग ना करें, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो लोग सानिध्य शिविर में आना चाहते हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हम आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके, जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तभी हम आपको जो साधना आप करना चाहते हैं उसका मंत्र आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि मंत्र आप कंठस्थ करके आ सकें, और मंत्र को जब आप कंठस्थ करके आएंगे तभी साधना आपकी फलदायी होगी, ठीक है। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है
अब रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा हमारा, जो आश्रम का नंबर है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। नंबर है आपका 9639857 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक एवरीडे ऑन रहता है, कॉलिंग चालू रहती है, आपकी हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जो आना चाहता है जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मात्र 3 दिन का शिविर है और 1 रात में सिद्धि मिलेगी, गारंटी है हमारी इस बात की। लेकिन जो हम आपको लक्ष्य देंगे वो लक्ष्य आपको पूरा करना ही होगा, बिना जो मंत्र जाप देंगे वो आपको पूरा करना होगा। और ये साधना सीधा हम शमशान से कराने वाले हैं, शमशान में बैठा के ही सारी साधनाएं हमने दी है, तामसिक है या जो भी आप सात्विक भी साधना करना चाहते हैं तो शिव शक्ति साधना केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश आदेश।